हेलो फ्रेंड्स, बॉब वेलकम टू माय चैनल। वेल दोस्तों, जैसा आपने फ्लायर में स्टार्टिंग में देखा है, मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक पैनिक का माहौल है लोगों के पोर्टफोलियो में। अगर आप देखो, ऐसा कोई पोर्टफोलियो आपको नहीं मिलेगा जहाँ पे अदानी ग्रुप का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। बहुत बड़ा एक फॉल देखने को मिला है। ऑब्वियसली मैं डिटेल्स में नहीं जाऊँगा कि क्यों ये फॉल आया है, क्या क्राइसिस सिचुएशन है, क्यों इतने सारे कंपनीज अदानी के है। जैसा कि बहुत सारे वीडियोज़ में बहुत सारे लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन भी शेयर किया है, विच इज़ वेरी मच ट्रू कि कोई भी कंपनी जब ग्रो करती है तो कंपनी पहले अपनी बिजनेस एस्टेब्लिश करती है। कंपनी ग्रोज़ इन बिजनेस, उसके बाद कंपनी अपना IPO लेके आती है, स्टॉक लिस्ट होता है, एंड देन इट एक्चुअली स्टार्ट्स ट्रेडिंग, राइट। लेकिन जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख लो डोडला डायरी के KIMS जो अभी हॉस्पिटल का IPO आया है, उसके अलावा अगर आप श्याम मेटल्स देख लो, सोना कॉमस्टार देख लो, कोई भी IPO ले लो, ऑल दीज आर एस्टैब्लिश्ड कंपनीज जो कि 20-30 साल से कंपनी इंडिया में बिजनेस कर रही है। दे हैव एस्टैब्लिश्ड, दे आर मल्टी मिलियन डॉलर कंपनीज, एक्सपोर्ट करती है, दे आर एस्टैब्लिश्ड। नाउ इनको लगा कि चलो अभी सेबी के साथ बात करते हैं एंड लेट्स लिस्ट आर कंपनीज। लेकिन अदानी ग्रुप ही एक ऐसा ग्रुप है जिसने बिना किसी IPO के ही बहुत सारे कंपनीज अपने फ्लोट करवा दिए। तो यहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक कन्फ्लिक्ट डेफिनेटली बनता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप मेरे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, जो HNI नहीं है, जो FIIs नहीं है, जो D2s नहीं है, नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स है जिनको 50-60 शेयर खरीदने हैं मैक्स टू मैक्स, उसमें से 1-2 हज़ार 3 हज़ार प्रॉफिट आता है तो निकल के आ जाना है। मैं फ्यूचर ऑप्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल कैश प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ। तो हमारे जैसे जो इन्वेस्टर है, इनको ज़रूरी ये है कि वो ऐसे स्टॉक्स में एंट्री ले, प्रॉफिट बनाए, निकल के आ जाए। ऑब्वियसली अगर आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो यू हैव बेटर स्टॉक्स, आप तो इन्वेस्टमेंट करोगे, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए ऑब्वियसली ये लुक्रेटिव लगा है। लेकिन दोस्तों, एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको एंट्री कब लेना है, एग्जिट कब लेना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ वीडियो मैं इसीलिए आपको बना के दिखा रहा हूँ क्योंकि ये अदानी पे लोगों के बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन बना हुआ है। अगर मैं आपको सिंपल दिखाऊँ, ये अदानी पोर्ट्स का अगर आप चार्ट देखो तो ऑलमोस्ट 800-900 के हाई से ये अभी 6-640 के लेवल पे आ गया है। तो ऑलमोस्ट 25-30% का डिप आ गया जस्ट 2-3 दिन के अंदर में। सिमिलरली अगर मैं आपको अदानी एंटरप्राइज दिखाऊं, सेम 1700 से लेके 1400 हो गया है। अदानी पावर की अगर हम बात करें तो 160-170 से ये भी ऑलमोस्ट 110-120 पे आ गया है। कोई भी अदानी का, कोई भी ग्रुप का, कोई भी स्टॉक आप उठा लो, 1300-1400 के भाव पे अभी ये 1000 आ गया। तो हर एक कंपनी ने एटलीस्ट 30% कट लिया है। ये आपको मैं अदानी टोटल गैस दिखा रहा हूँ, ये भी आप देख लो 1600 के भाव पे था, अभी 1200 आ गया। तो ऑब्वियसली लोग फंसे हुए हैं। दो ही स्टॉक ऐसे हैं जहाँ पे आपका लोअर सर्किट नहीं लगा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो बाकी अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे मैंने ऐड करके भी रखा हुआ है, दो ही स्टॉक, दो ही ग्रुप ऐसे हैं जहाँ पे लोअर सर्किट नहीं लगा है, नॉर्मल ट्रेडिंग हो रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे अगर स्क्रीन पे देख पा रहे हो, अदानी पोर्ट्स जहाँ पे अभी 7% ये अभी अप है, ऊपर चल रहा है, एंड अदानी एंटरप्राइज ये भी ऊपर चल रहा है। लेकिन उसके अलावा जो भी अदानी ग्रीन है, इसमें 5% का डाउन है, अदानी पावर में 5% का लोअर सर्किट, अदानी ट्रांसमिशन में 5% का लोअर सर्किट, एंड अदानी टोटल गैस में भी 5% का लोअर सर्किट लगा हुआ है। अब लोअर सर्किट अगर लगा हुआ है आप बेच नहीं सकते, लेकिन अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो आपको करना क्या है? सो दोस्तों, एक सिंपल एक चीज़ है जिसको आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, जिसको हम कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। एक तरह से उसको हम बोल सकते हैं फियर इंडेक्स भी। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स से हमको ये पता चलता है कि जो स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वो स्टॉक आपका इन्वेस्टमेंट रेडी है कि नहीं, उस पर कितना ज़्यादा लोगों ने इंटरेस्ट बना के रखा हुआ है, कितने ज़्यादा उसमें वॉलेटिलिटी बना हुआ है। तो वो RSI एक्चुअली ऐसा एक सेगमेंट है, ऐसा एक फैक्टर है जिसको देख के आप डिसाइड इजिली कर सकते हो कि वेदर आपको स्टॉक में पोजिशन बनाना है या फिर एग्जिट करना है। तो बहुत सिंपल है, जैसे मैंने इससे पहले बहुत सारे वीडियोज़ में ही बताया है, कोई भी स्टॉक अगर RSI आप अगर देखो उसका 60-70-80 लेवल पर चला गया है, देन डेफिनेटली वो एक पोजीशन है जहां पे यू हैव टू बुक योर प्रॉफिट्स आउट एंड यू हैव टू वेट, बिकॉज वहां पे एक करेक्शन डेफिनेटली आएगा। सिमिलरली अगर RSI 35-40 के लेवल पे आ जाता है तो डेफिनेटली वहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग फ्यूचर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि कभी भी कोई कंपनी का RSI जीरो नहीं हो सकता है। तो आपको ये चीज़ दिमाग में रखना होगा एज ए रिटेल इन्वेस्टर। अगर आप पैनिक कर रहे हो, ऑब्वियसली आप बेच नहीं पा रहे हो, तो इसमें अभी पैनिक करने वाली सिचुएशन नहीं है। आपके पास अगर कैपिटल है, ऑब्वियसली मैं फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बोलूँगा, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ है, फ्रेश एंट्री की ज़रूरत नहीं है। आप बैठ के बाहर से मज़ा लो, खेल का आनंद लो, क्योंकि मैंने खुद भी अदानी पावर में इन्वेस्टमेंट किया था,
मैंने प्रॉफिट बुक किया, मैं प्रॉफिट बुक करके मैंने एग्जिट भी कर लिया, तो वो डिपेंड करता है कि आपने एंट्री लेना है, आपको एंट्री नहीं लेना है। अगर मैं आपको सिंपल दिखाऊं, इन केस अगर आपको लग रहा हो कि आपको देखना चाहिए तो मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे जैसे कि अदानी पावर आपको दिख रहा होगा, ये मेरा पोर्टफोलियो का स्नैपशॉट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कि अदानी पावर की अगर हम बात करें, 10th मई को मैंने 100 शेयर्स लिए थे 98 के भाव पे, उसके बाद 21 मई को फिर मैंने और 100 शेयर लिए 102 के भाव पे, क्योंकि मुझे यहां थोड़ा बुलिश लगा था। 8th जून को आप अगर देखो, 8th जून को मैंने 148 पे अदानी के 200 शेयर्स ही सेल कर दिए थे। तो सेल करने के बाद में अभी 17 जून जब ये क्रैश किया है, तो अगर अदानी पावर का मैं आपको चार्ट दिखाऊं, दिस इज अदानी पावर। अदानी पावर पे जैसा मैंने कहा आपको, मैंने 8th जून को मैंने सेलिंग कर दिया था, करेक्ट। अगर 8th जून की मैं बात करूं तो दिस इज 6th 7th, ये अगर 9, ये देखिए 8 तारीख, ठीक है। तो अगर 8 तारीख का हम लोग देखें तो लगभग इस करीब इस प्राइस पे यहाँ पे मैंने सेल कर दिया था, आप एग्जैक्टली देख पा रहे हो। उसके बाद ही यहाँ पे वो न्यूज़ निकल के आया। ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोलूँगा कि मुझे पहले से पता था, सुचेता दलाल ने मुझे अलग से पर्सनल मैसेज किया था, मुझे नहीं पता था इस चीज़ के बारे में क्या हो रहा है। ऑब्वियसली आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि वो फॉरेन फंड में कहाँ पैसे डाल रहे हैं नहीं डाल रहे हैं, मुझे चार्ट से मतलब है। चार्ट में मुझे लगा कि हाँ हो गया इसका, अब इसका टाइम आ गया है तो एग्जिट करना चाहिए। तो जब मैंने एग्जिट किया, सिंपल कैलकुलेशन यही था कि वो ओवरसोल्ड जोन पे चला गया था, क्योंकि उसका RSI 70-80 के पार चला गया था, तो वहाँ पे करेक्शन आना ही था। अगर सुचेता दलाल ने SMS या फिर ट्वीट नहीं भी किया होता तब भी करेक्शन आता। ऑब्वियसली इतना 30-35% 40% करेक्शन नहीं आता, बट एक छोटा मोटा करेक्शन वहाँ पे डेफिनेटली आता। लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप देखो तो वापस यहाँ पे जो RSI है वो बहुत नीचे है, बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो गया, तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी होल्डिंग पे रखा हुआ है तो यहाँ पे पैनिक करने वाली कोई बात नहीं, आप आराम से उसको होल्ड करिए। फ्रेश एंट्री मैं नहीं बोलूँगा, हालांकि मैं थोड़ा सा रिस्क ले सकता हूँ, मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया है, ज़्यादा क्वांटिटी, जैसा कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे मैंने स्नैपशॉट भी शेयर किया है कुछ देर पहले। अगर आप चाहो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को देख सकते हो, कुबेरपीडिया नाम से आपको सर्च करना है, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन करिए, मैं फ्री शेयर्स वहां देता रहता हूं। टेलीग्राम चैनल में आप देखो एक स्क्रीनशॉट मैंने दिया है, आज मैंने जैसा कि आज लोग जब पैनिक कर रहे हैं, इतना ज़्यादा मार्केट क्रैश किया है, आई हैव बॉट अ लॉट ऑफ गुड शेयर्स फॉर माय पोर्टफोलियो, तो मैंने अदानी के भी कुछ कुछ शेयर लिए हैं। क्यों लिए हैं, रीज़न ये है कि हर एक का अगर आप देखो RSI इंडेक्स, जैसा कि अगर अदानी पोर्ट्स की देखें 36-37 के आसपास है, RSI ऑलमोस्ट नीचे आ गया, अब यहाँ पे एक बाउंस बैक डेफिनेटली हो सकता है आने वाले, ऑब्वियसली आज नहीं तो कल मंडे वेडनेसडे कभी भी हो, लेकिन एक होने के चांसेस है। अदानी अगर एंटरप्राइज की बात करें 51, ये अदानी एंटरप्राइज उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अदानी एंटरप्राइज ने कभी भी लोअर सर्किट नहीं लगाया, वो नॉर्मल ट्रेड हो रहा है, हालांकि वॉल्यूम में गिरावट आया, तो इसका RSI उतना ऑब्वियसली बाउंस बैक वाला RSI नहीं है। लेकिन अगेन अदानी पावर 48, अगर हम अदानी ग्रीन की बात करें 30, डेफिनेटली ये तो बहुत हद से ज़्यादा ओवरसोल्ड है। सिमिलरली अदानी ट्रांसमिशन, ये भी ट्रेड करीब करीब हो रहा है, तो इसका RSI भी अब देखो 36 के आसपास है, और फाइनली अदानी टोटल अगर की बात करें तो 37, सो 35-37 इस रेंज पे सारे के सारे RSI है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको आने वाले टाइम में एक बाउंस बैक या फिर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। ये तो चार्ट के हिसाब से हो गया। अब ऑब्वियसली अदानी एक इतना बड़ा ग्रुप है, ये चुपचाप बैठने वाले कंपनी में से नहीं है, ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि एक ट्वीट के चलते इनका ओवरऑल बिजनेस ख़त्म हो जाए। हालांकि ये न्यूज़ शायद आपने देखा भी होगा, जैसा कि आया था, इन्होंने सबसे ज़्यादा लॉस बनाने वाले व्यक्ति है, जो उन्होंने अभी हाल ही इस वीक में एक रिकॉर्ड बनाया है कि मैक्सिमम लॉस किसी ने किया है एक हफ्ते के अंदर में, सो ही हैज़ एक्चुअली मेड अ रिकॉर्ड ऑफ इट। सो अब देखो ऑलमोस्ट यहाँ पे उन्होंने बताया 58-year-old टाइकून लॉस्ट मोर मनी दिस वीक देन एनीवन एल्स इन द वर्ल्ड विथ हिज पर्सनल फॉर्च्यून टम्बलिंग बाई अबाउट 13.2 बिलियन टू 63.5 बिलियन, अकॉर्डिंग 13 बिलियन डॉलर उन्होंने एक हफ्ते में लॉस किया है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ट्वीट, बिकॉज ऑफ दैट न्यूज़। ऑब्वियसली ट्वीट के बाद न्यूज़ का पता चला क्या है नहीं है। सो ये सब तो मार्केट में चलता रहेगा, लेकिन आप जो रिटेल इन्वेस्टर हो, आप मेरे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर है, जहाँ पे हमारे पास बहुत लिमिटेड कैपिटल है, हमको सोच समझ के काम करना पड़ता है, हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा टेक्निकल थिंग्स पे भी फोकस करें। ज़रूरी नहीं है न्यूज़ आया है, ऑब्वियसली न्यूज़ आया है बहुत बढ़िया है, 1500 का जो स्टॉक था न्यूज़ के चलते अभी 1200 का आ गया है, यू शुड एन्जॉय दैट, बिकॉज आपको वो स्टॉक 1200 में मिल रहा है जो आपको पहले 1500 में मिल रहा था। तो यहाँ पे पैनिक नहीं करना है, अगर आपका होल्डिंग में है आप आराम से होल्ड करिए। अगर आपको लेना है, मैं एग्रेसिव बाइंग नहीं बोलूँगा, थोड़ा थोड़ा करके SIP में लीजिए। मेरे
अगर शायद मैं अगर लेना चाहूँ तो मैं शायद बहुत सारे ले सकता हूँ, लेकिन ऑब्वियसली मैं भी नहीं ले रहा हूँ मैक्सिमम। अगर आप देखो मेरे स्क्रीनशॉट में, ऑब्वियसली वहाँ क्वांटिटी मैंने दिया नहीं है, लेकिन मैंने बहुत हैंडफुल ऑफ क्वांटिटी लिए हैं। ऐसा क्वांटिटी मैंने लिया है कि अगर फिर 5-10% का डिप आता है तो मैं फिर से उसमें पोजिशनिंग करके फिर से मैं एवरेज कर सकूँ। तो आपको क्वांटिटी भी उसी तरह से लेना है, एग्रेसिव बाइंग यहाँ पर नहीं करना है। सो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद था आपको इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँ, ताकि आप पैनिक मत करो, यहाँ पे आराम से वेट करो। अभी ग्लोबल क्यूज साफ़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी निफ्टी ऑलरेडी अगर आप देखो अच्छा खासा यहाँ पे निफ्टी ने रिकवरी भी दे दिया है, तो आने वाले टाइम में आप देखो यहाँ पे इतना बढ़िया रिकवरी दिया है। यहाँ लो लगाया आज 15459, वहाँ से 15660, 200 पॉइंट का ऑलरेडी रिकवरी आ गया। सो इट्स लुकिंग गुड ऑब्वियसली, एंड तो यहाँ पे पैनिक नहीं करना है। सो ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के लिए के साथ, इन्फॉर्मेशनल वीडियो होता है सबके काम का। एंड साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ऐसे ही मैं बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपके लिए लाता रहूँगा। कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी बताना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बढ़िया, मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ, हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी, ट्विटर टेलीग्राम में ज़रूर फॉलो करें, ताकि टाइमली आपको अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। मैं बहुत जल्द हाजिर होता हूँ एक नया कंटेंट लेके। टेक केयर एंड यू हैव ए लवली वीकेंड। स्टे सेफ।